जो मैंने अभी बनाई दी थी वीडियो, तो और मैंने यूट्यूब के थ्रू अपलोड करने के लिए सो मैंने यूट्यूब से ही खोल लिया था पूरा, सो बनी नहीं भाई, ये बड़ा बेकार चीज़ है। और कोई नहीं, मैं आपके फिर से बना रहा हूँ एक वीडियो, एंड सो वीडियो तो फिलहाल इसके बारे में है, दिखाते हैं उसको। तब 2 मिनट रुके। सो ये वाला रैकेट है, योनेक्स का पूरा रैकेट है मेरा, और नैनो रे यहाँ पे लिखा हुआ है। सो थोड़े से सिनेमेटिक लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पीछे क्रिकेट रखी है, पीछे पिछले वीडियो में देख ली थी, मैं एक साथ ही दोनों वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए पिछले वीडियो में आपने देख ली थी। एंड चलिए अब खोलते हैं इसको, तब तक के लिए 2 मिनट रुक के खोलता हूँ मैं इसको। एंड 1 1 2 3। सो ये वाला रैकेट है और इसको खोलते हैं। गेस करिए कि कौन सा रैकेट, इसका मॉडल नंबर एंड मॉडल मॉडल देखिए कौन सा होगा। सो दीदी जल्दी से कमेंट करिए। चलो मैं रिवील करने वाला हूँ। 2 3 1 2 3 गो। सो ये है नैनो रे का D1 D1 रैकेट। सो ये है पूरा रैकेट। एंड ये क्या हुआ। सो ये है पूरी स्ट्रिंग जो कि बहुत अच्छी मिली हुई है इसमें। एंड मैं इसके सिनेमेटिक शॉट्स लेने की कोशिश करता हूँ। आइसोमेट्रिक का पूरा रैकेट है। सी सो आइसोमेट्रिक का रैकेट है। एंड आइसोमेट्रिक ये शेप है कि यहाँ से गोल होती है, यहाँ से भी थोड़ी ज़्यादा लेंथ की होती है, इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है और ऊपर से थोड़ी फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट नहीं, थोड़ी सी फ्लैट। एंड ये प्रोफेशनल रैकेट होते हैं, उनकी पहचान इससे ही होती है। ये पूरे सिंगल होते हैं। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में से रैकेट को। अब देखिए ये पूरा रैकेट है। एंड इसका वेट दिखा देते हैं, दिखा देता हूँ वेट है PBSI से। ये मेरे को भी नहीं पता क्या और चीज़ है ये। और ये है वेट 3UG4। ये है 19 to 24 LBS। एंड 19 to 24 LBS का ये 19 to 24 LBS का ये पूरा रैकेट है। ये इसकी स्ट्रिंग की पावर होती है। सो 30 LBS तक आता है, वॉल्टेक ले लीजिए, 30 LBS का मिल जाएगा। और इसका प्राइस है 2000 एंड 8.5 to 10.5 kg तक इसका वेट है। 8.5 to 10.5 kg तक इसका वेट है। पर जो थोड़ा सा लाइट पता नहीं कुछ ख़राब हो गया था। सो यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आप नोटिस करेंगे जब आप लोगे इस रैकेट को। सो इस रैकेट को लेना तो बिल्कुल वर्थ है। जिस पे लिखा है कि ये नैनो साइंस का रैकेट है, एंड नैनो साइंस का रैकेट है, ग्रेफाइट आई नैनो मेश मैश कार्बन नैनो ट्यूब। सो कुछ भी ऐसे लिख रखा है। एंड हेडलाइट रैकेट है, मतलब यहाँ से थोड़ा हल्का, और हेडलाइट बैलेंस रैकेट है, और डेवलप्ड बाय जोनिक्स जापान है भाई। तो और इसके मेड इन चाइना यार, बड़े वैसे मेड इन चाइना, आप पता ही है वो कुछ जो बीमारी चल रही है उसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, पर मत ही लो, आप सब भी मत ही लीजिए उस बीमारी का नाम। सो आज के लिए तो बस इतना ही, यही बता रहा था मैं पूरे रैकेट के बारे में। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। नया नया चैनल है, मैंने यहाँ पे देखो किट पड़ी है, जो कि किट की वीडियो भी मैंने बनाई थी ना इससे पहले, ये पूरी पड़ी है किट। और मैं दिखाने वाला हूँ, एक चीज़ भूल गया, पुराना वाला रैकेट का भी है। सो पुराने वाले रैकेट में देख लीजिए, मैंने इसकी ग्रिप उतार दी है, जो टॉवल ग्रिप थी मेरे पास, और ये भी सेम ऐसे था, बस इसका वेट का जो स्टिकर होता है ना, ये गुरियोनिक्स इतना अच्छा नहीं देता। सो वेट का स्टिकर हट चुका है। एंड
यहाँ पे से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्क्रैचेज है, अब बहुत बेकार स्क्रैचेज आए हुए हैं यहाँ से, तो भाई क्या ही बताए देखिए कितने स्क्रैचेज आए हुए हैं। एंड ये स्ट्रिंग भी टूट गई है, तो इस रैकेट को तो क्या ही है कि इस जब तक देखिए आपकी जब तक आपकी शेप ख़राब ना हो तो तब तक आप चलाइए अपने रैकेट। सो मैं इसको करता हूँ यस, देखिए मेरी शेप ऊपर से भी नीचे हो गई थी और यहाँ पे से बिल्कुल ख़राब हो गया था, और यहाँ पे से तो बराबर ही आ रही है ऑलमोस्ट, हाँ थोड़ा सा कम है पर बराबर है। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपके आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, बाय।